जीवन बीमा के विज्ञापन में कहा जाता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। राजनीति में सत्ता सुरक्षा वाले बीमा के लिए ही क्या परिवार के साथ भी और परिवार के खिलाफ वाली नीति अपनाई जाती है? आज की दस्तक यही है। जहां एक तरफ गांधी परिवार के परिवारवाद पर सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ कर्नाटक में देवेगौड़ा परिवार की पार्टी के साथ गठबंधन खिलाया जाता है। एक तरफ पवार परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, दूसरी तरफ उन्हीं पवार के भतीजे की पार्टी के साथ सीट शेयर की जाती है। एक तरफ ठाकरे परिवार को परिवारवादी कहा जाता है, दूसरी तरफ उसी परिवार से निकले राज ठाकरे को साथ लाने की तैयारी होती है। एक तरफ सुरेन परिवार को पिता पुत्र की पार्टी कहा जाता है, दूसरी तरफ सुरेन परिवार की बहू को बीजेपी में शामिल कराया जाता है। अब्दुल्ला परिवार अगर परिवारवाद का प्रतीक है तो क्या चौधरी परिवार की आरएलडी नहीं है? अगर लालू परिवार सिर्फ परिवार से चलती पार्टी है तो पासवान परिवार की पार्टी क्या है? यादव परिवार अगर यूपी का परिवारवादी है तो राजभर और निषाद परिवार की पार्टी नहीं है? मुफ्ती परिवार विपक्ष के साथ परिवारवादी तो क्या मांझी परिवार सत्ता के साथ होकर परिवारवादी नहीं है?